नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पंचायत चुनाव में मतदाता सूची में हो रही देरी को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से उठाए गए कदम के बारे में। मतदाता सूची भले ही जारी कर दी गई हो, मगर अभी हजारों आवेदन पंचायत चुनाव को लेकर अटके पड़े हैं। बिहार पंचायत चुनाव की तैयारियों के क्रम में मतदाता सूची में हो रही देरी को लेकर अब चुनाव आयोग खुद सामने आ गया है। इसको लेकर चुनाव आयोग ने भी अब अपनी नाराजगी जताई है, जिसके तहत आयोग ने सख्त लहजे में राज्य निर्वाचन आयोग को दो टूक नसीहत देते हुए सभी जिलों को मतदाताओं से मिले आवेदन की तुरंत ही निपटारे का निर्देश जारी कर दिया है। राज्य भर से मांगे गए दावा आपत्ति के तहत कुल मिलाकर 3.66 लाख आवेदन आए थे, जिनमें से बड़ी संख्या में आवेदनों के निपटारे का काम आज तक नहीं हो पाया है। हालांकि पहली कार्य योजना के अनुसार मतदाता सूची का प्रकाशन 18 फरवरी तक कर लेना है, लेकिन जो मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया है उसमें भी कई लोगों के दावा आपत्ति के तहत समस्या का समाधान नहीं किया गया है। हालांकि खबरों की माने तो आयोग की सख्ती के बाद सूबे में मतदाता सूची में आए दावा आपत्ति की समीक्षा की गई है। समीक्षा में यह पाया गया है कि दावा आपत्ति के तहत नाम जोड़ने के लिए कुल मिलाकर 3,66,873 आवेदन आए हैं। हालांकि अभी तक इनमें से मात्र 21,392 पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके साथ ही अब तक 50,455 आवेदन भी रद्द कर दिए गए हैं। इसके साथ ही मिले आंकड़ों के अनुसार 86,830 आवेदन ही अनुसंचित हुए हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि मतदाता सूची के प्रकाशन की अंतिम तारीख नजदीक आने के बावजूद मतदाताओं से मिले आवेदन का निष्पादन होगा। गंभीर बात यह है कि चुनाव आयोग की इस सख्ती के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने इस कदम को उठाया है। हालांकि चुनाव आयोग ने 8 फरवरी तक ही इन आवेदनों का निष्पादन करने की बात कही थी। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने इसके बाद सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया था। उन्होंने कहा था कि अब तक दावा आपत्ति का निष्पादन नहीं होने की समीक्षा अपने स्तर से करें, ताकि मतदाता सूची के प्रकाशन में समस्या नहीं आ पाए। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य भर में आए आवेदनों का निष्पादन 8 फरवरी तक ही कर लिया जाना था, जो अब तक नहीं हो पाया है। आयोग ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया है। अब बात जिलावार लंबित मामलों की करें तो आपको बता दें, मुजफ्फरपुर में कुल मिलाकर 20,707 मामले लंबित है। इसके साथ ही मधुबनी में 6,785, सीतामढ़ी में 7,352, पश्चिम चंपारण में 14,237, पूर्वी चंपारण में 22,320, शिवहर में 1,707, समस्तीपुर में 23,856, दरभंगा में 7,935, अररिया में 8,395, अरवल में 691, औरंगाबाद में 6,110, बांका में 7,243, बेगूसराय में 10,421, भागलपुर में 7,022, भोजपुर में 1,852, बक्सर में 2,500, गया में 5,697, गोपालगंज में 24,957, जहानाबाद में 3,892, जमुई में 3,490, कैमूर में 3,434, कटिहार में 6,441, खगड़िया में 6,703, किशनगंज में 1,988, लखीसराय में 1,932, मधेपुरा में 9,429, मुंगेर में 5,055, नालंदा में 7,418, नवादा में 8,876, पटना में 24,807, पूर्णिया में 5,252, रोहतास में 9,760, सहरसा में 40,062, सारण में 5,221, शेखपुरा में 2,571, सिवान में 6,082, सुपौल में 3,379 और वैशाली में 32,294 मामले लंबित है। हम उम्मीद करते हैं कि इन आवेदनों का निष्पादन जल्द से जल्द हो जाएगा और जल्द से जल्द मतदाता सूची में लंबित पड़े आवेदकों के नाम जो है वो शामिल हो जाएंगे। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपके अनुसार चुनाव आयोग की तरफ से करवाई जा रही देरी के कारण क्या इसका असर पंचायत चुनाव पर पड़ेगा या नहीं, अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।